महेश नवमी व्रत का था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार खडगल सेन नाम के एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की। उसके उपरांत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने सुजान कंवर रखा। साथ ही साथ ऋषियों ने उन्हें यह भी बताया कि सुजान कंवर को 20 साल तक उत्तर दिशा की ओर ना जाने दिया जाए। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए, उन्हें युद्ध कला और शिक्षा का ज्ञान दिया गया। राजकुमार का रुझान बचपन से ही जैन धर्म की तरफ ज्यादा था। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दिन राजकुमार अपने 72 सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए निकल गए। जंगल में भटकते भटकते वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए। सैनिकों ने उन्हें मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जंगल के बीच में उत्तर दिशा की तरफ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजकुमार के वहां पहुंचते ही ऋषि की तपस्या भंग हुई। राजकुमार ने ऋषि के आश्रम में हो रहे यज्ञ को अपने सैनिकों के द्वारा खंडित कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने राजकुमार को श्राप दे दिया। श्राप देते ही राजकुमार पत्थर के बन गए। उनके साथ साथ जितने भी सैनिक उनके साथ थे वो सभी पत्थर में तब्दील हो गए। ये समाचार जब राजधानी पहुंचा तो सभी लोग बहुत दुखी हुए। जब राजकुमार की पत्नी को यह समाचार मिला तब राजकुमार की पत्नी चंद्रावती ने सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ जंगल में जाकर ऋषि से माफी मांगी और उनसे अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम अपने पति को श्राप से मुक्त करवाना चाहती हो तो भगवान महेश यानी कि महादेव और माता पार्वती की पूजा करो तो आपके पतियों को जीवन दान मिल सकता है। इतना सुनकर राजकुमारी चंद्रावती ने सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ मिलकर महादेव की पूजा अर्चना प्रारंभ की। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती इस पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार सुजान कंवर और उनके 72 सैनिकों को जीवन दान दिया, वह श्राप से मुक्त हो गए। जिस दिन राजकुमार व अन्य सैनिक श्राप से मुक्त हुए उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसके बाद राजकुमार ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। सुजान कंवर ने वैश्य धर्म अपनाया व महेश के नाम से महेश्वरी समाज बनाया। इस तरह महेश्वरी समाज की उत्पत्ति और इस तरह हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महेश नवमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। महेश नवमी का महत्व। महेश नवमी का पर्व श्राप से मुक्ति व मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जो भी भक्त इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।